सोलगम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आईफोन 13 सीरीज दोस्तों लॉन्च होने का डेट निकल के आ गया। आपको पूरा जानकारी देंगे दोस्तों, इस सीरीज में कितना स्मार्टफोन यानी 4 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला, इसका प्राइस भी क्या होने वाला है, पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा जानकारी देंगे आपको। और क्या न्यू अपडेट मिलता है आईफोन 12 से दोस्तों, क्या न्यू फीचर्स वगैरह स्मार्टफोन में मिलता है, प्राइस स्पेस वगैरह थोड़ा बहुत आपको जानकारी देंगे। जितना भाई रूमर्स आया उतने आपको बताएंगे दोस्तों। जैसे कि अगर आप सोच रहे हो भाई आईफोन का लवर्स वगैरह है भाई, इन्फॉर्मेशन हो या स्मार्टफोन लेने का सोच रहे थे, पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा इससे वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते दोस्तों, अच्छा लगता है लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट डे। आईफोन 13 सीरीज में दोस्तों 4 स्मार्टफोन होने वाला है, आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स। ये 4 स्मार्टफोन है भाई, 4 स्मार्टफोन लुक बैक काफी जबरदस्त होने वाला है। और आपको कलर ग्रेड के बारे में बात करूं आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी में, ठीक है, 6 कलर आपको वेरिएंट मिल जाता है इसी लॉन्च इवेंट में, ठीक है। और लॉन्च इवेंट दोस्तों 14 सितंबर को होने वाला है, बट भाई स्मार्टफोन अवेलेबल होगा 24 to 25, ठीक है, सितंबर तक लॉन्च मतलब स्मार्टफोन अवेलेबल हो जाएगा यूएस मार्केट में दोस्तों। इंडियन मार्केट में थोड़ा 1 week डिले हो सकता है, ठीक है। ये चीज दोस्तों हमेशा मतलब दूसरे स्मार्टफोन जितना भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन होता है वो स्मार्टफोन में देखने को मिलता है और इस स्मार्टफोन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक हफ्ता डिले में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये स्मार्टफोन भाई प्राइस के बारे में बात करें, स्मार्टफोन मिनी या आईफोन 13 में भाई थोड़ा ज्यादा ले रहा है, थोड़ा मतलब फीचर्स भी थोड़ा नया है, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसका वेरिएंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको 1 TB तक आपको मिल जाता है स्टोरेज, ठीक है, मतलब इतना बड़ा बड़ा स्टोरेज स्पेस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और अगर प्राइस की बात करें आईफोन 13 में, आईफोन 13 मिनी की बात करें दोस्तों, आईफोन 13 मिनी में दोस्तों 80,000 से लगभग शुरू हो सकता है, आईफोन 13 में दोस्तों 1 lakh के करीब में, और आईफोन 13 प्रो एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स में दोस्तों 130-140, मतलब लो बेस में आपको बता रहा है। 1 TB जो होने वाला है वो तो भाई बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। और इस स्मार्टफोन भाई रूमर्स जो वीडियो निकल के आया आपको दिखा रहे हैं, उस वीडियो में दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, एक मतलब अंधेरा अंधेरा सा दोस्तों दुनिया है और उसके अंदर दोस्तों एप्पल है और उसमें दोस्तों एक सितारा वगैरह बहुत मतलब एक डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, डिस्प्ले बहुत ही एक्साइटिंग चीज इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और सितारा के जैसे कि और अंदाजा लगाया जाए दोस्तों इस स्मार्टफोन में कुछ नया फीचर्स लेके आ रहा है, ठीक है। और हर एक स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा सा चीज है, प्राइस में थोड़ा ज्यादा लेके आ रहा है स्मार्टफोन, थोड़ा डिस्प्ले वगैरह सब कुछ इंप्रूवमेंट किया है। नया फीचर्स की बात करें, नए फीचर्स की बात करें दोस्तों, इस स्मार्टफोन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर्स दोस्तों मिल सकता है, ठीक है, मतलब 4 स्मार्टफोन में मिलेगा। और ऐसा चीज भाई बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये फीचर्स दोस्तों हर एक कंट्री में अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, अलाउ करेगा नहीं भी करेगा कुछ, मतलब लॉन्च जब हुआ तब हम लोग को पता चलेगा। बट इस जो दोस्तों फीचर्स है सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर दोस्तों यूएस में तो कंट्री में अवेलेबल होगा, या दूसरा दोस्तों दुबई वगैरह में ये सब में अवेलेबल हो सकते हैं। इंडिया में दोस्तों थोड़ा अवेलेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसा फीचर्स दोस्तों बहुत ही मायने रखता है मतलब हर एक चीज में, ठीक है। कम्युनिकेशन भाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट के थ्रू दोस्तों आप वगैरह कर सकते हो, मतलब बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है भाई। प्राइस ऐसे भी नहीं ले रहा है प्राइस भाई, फ्लैगशिप स्मार्टफोन भाई उसके ऊपर से ऐसा सा चीज दूसरे स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता और इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। कैमरा में जो देख रहे हो दोस्तों, कैमरे की बात करते हैं, कैमरा में जो देख रहे हो दोस्तों, कैमरा थोड़ा इंप्रूवमेंट और देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन में। और इस लॉन्च इवेंट में दोस्तों हर एक कैमरा में दोस्तों बम की बात करें, बम थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और पर्टिकुलर नहीं पता है कि भाई कितना आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जब भी लॉन्च होगा पूरे डिटेल्स देंगे, 14 सितंबर को लॉन्च होगा तो 14 सितंबर का पूरा जानकारी देंगे, ठीक है। ऐसा सा चीज है स्मार्टफोन में। और एक्चुअली दोस्तों और एक चीज बताओ दोस्तों स्मार्टफोन का, दोस्तों डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले मतलब कितना बड़ा हाइट के बहुत ही मायने रखता है स्मार्टफोन में। और आईफोन 13 मिनी में दोस्तों 5.4 इंच का दोस्तों डिस्प्ले मिलता है 120Hz के रिफ्रेश जो मैंने आपको पहले बता चुके हैं। और आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो में दोस्तों आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले थोड़ा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स में दोस्तों आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश हर एक स्मार्टफोन देखने को मिलता है।
बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात कर दूं आपको, बैटरी कैपेसिटी तो आईफोन 13 मिनी में आपको 2406 एमएच का बैटरी आपको मिल सकता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों हर स्मार्टफोन में पहले बता रहा हूँ 25 वाट्स का चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, बट भाई चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिले। मतलब आईफोन में यही एक मतलब कमी मैं बोल सकता हूँ भाई, चार्जर कम से कम देना चाहिए ना, चार्जर भाई नहीं देता, सिम डिटेक्टर पिन और फोन दे के छोड़ देता भाई जब। ऐसा चीज आईफोन 13 एंड आईफोन 13 प्रो के बात करें, आईफोन 13 आईफोन 13 प्रो में दोस्तों 3095 एमएच का दोस्तों बैटरी सपोर्ट, और आईफोन 13 प्रो मैक्स की बात करें दोस्तों 4352 एमएच का बैटरी सपोर्ट आपको देख रहे होंगे, थोड़ा इसमें ज्यादा है क्योंकि भाई प्राइस ज्यादा ले रहे तो ज्यादा देके रखा है, और कैपेसिटी के हर एक चीज में दोस्तों अच्छा देके रखा है। देखते हैं दोस्तों लॉन्च होगा तो भाई जल्दी को पूरा पता चलेगा, बट भाई साहब इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले हर एक चीज जबरदस्त दे रहा है, बट थोड़ा प्राइस ज्यादा लेके आ रहा है। एक थोड़ा कंफ्यूज है दोस्तों इंडिया में कितना प्राइस में लॉन्च वगैरह, तो पूरा जानकारी देंगे दोस्तों, इसलिए दोस्तों चैनल को स्टे ट्यून करें, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।